टेकन। आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो रिगार्डिंग कि भाई टेकन का एनिमे आ रहा था, टेकन का एनिमे आ चुका है, तो बातें करते हैं कैसा रहा है। आज वीडियो में मैं तुम्हें एपिसोड वन थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड वन क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं? बिकॉज आई थिंक सो तुम में से कोई भी उस एनिमे को नहीं देखने वाला है, इसलिए मैं एपिसोड वन की थोड़ी सी स्टोरी बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि इस एनिमे में क्या है और क्या तुम्हें इसे लास्ट तक देखना चाहिए। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज, ये एनिमे आप ऑफिशियली देख सकते हो, नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, 6 एपिसोड आ रखे हैं, इंग्लिश डब्ड है। बात कर लेते हैं एनिमेशन की, एनिमे है, एनिमेशन की तो बात होगी ही ना। तो वही चीज है यार, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ नेटफ्लिक्स वालों को एनिमेशन करवानी नहीं आती, एंड इसमें भी नाश कर रखा है, सीजीआई एनिमेशन है। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक एनिमेशन एट ऑल। लाइक 10 में से पॉइंट दूँ तो 10 में से दूंगा 3 पॉइंट। भाई जो उनके मुंह हिल रहे हैं वो बिल्कुल भी, कोशिश करी गई है कि सटल पैनल ना रहे, डेफिनेटली सटल पैनल नहीं थे, डेप्थ देने की कोशिश जरूर की, लेकिन इन दी एंड यार एक ऑथेंटिक एनिमेशन, एक ऑथेंटिक मांगा, राइटर तो नहीं मांगा, आर्टिस्ट का जो आर्ट होता है उसको मैच बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है किसी भी लेवल तक। लेकिन साउंड की बात करी जाए भाई, साउंड ग्राफिक बहुत तोड़ है। लाइक इफ यू गाइज हैव वॉच्ड स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, विजुअली एंड ऑडियोली इट इज वन ऑफ द मोस्ट चुम्मेश्वरी एनिमे जो लेटेस्ट वाले सीजन आ रहे हैं। स्टोरी वाइज लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, विजुअली यार जो साउंड इफेक्ट्स है वो बहुत क्रेजी हैं, एंड सिमिलर साउंड इफेक्ट्स यूज करे गए हैं टेकन के अंदर। आई जस्ट होप्ड सो कि भाई वैसा ही एनिमेशन में भी करा जाता। अब स्टोरी की बात करी जाए तो स्टोरी है रिगार्डिंग अवर मेन कैरेक्टर विच इज जिन। तो जिन अपनी मम्मी के साथ एक दूर दराज विलेज में रहते थे, जहाँ पे जिन को कुछ बच्चे थोड़ा सा परेशान करते हैं और अपना जिन चेहरा प्रो फाइटर, आयरन फिस्ट का फाइटर है भाई, उसके पिता का ही लोंजा है, तो दैट्स भाई जिम ने लगा दे दो चार लपेड़ उन लोंजे लपाड़ो को। वहाँ पे उसकी मम्मी आते कि भाई ये क्या कर रहा है, हमारा फाइटिंग स्टाइल ये नहीं है कि हम लड़े, जो मैंने तुझे फाइटिंग स्टाइल सिखा रखा है, जिनकी मम्मी उसे बोलती है कि भाई वो कुछ ऐसा स्टाइल है कि मैं तुझे जब जीता मानती अगर तू इन्हें हाँ पहुँचे बिना इस फाइट को जीत जाता। तो वैसा ही होता है, जिन ठहरा अपना गर्म खून वाला लोंडा, ही इज लाइक कि भाई मम्मी यही क्या बोल रहे हो, मैं तो ठहरा ओपीएमसी, कैसी बातें कर रहे हो। तो उनके बीच में थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट होता है, एंड लेटर ऑन जो लोंडा वो पीटा था वो अपने बाप को लेके आ गया कि पापा इसने तो पीटा ही पेट दी मेरी, तो उसके पापा उसको कंफ्रंट करते उसकी मम्मी को और जिन को कि भाई क्या चल रहा है, तुम्हारी बदमाशी है, ऐसा नहीं चलेगा, समझ लो। तो बात थोड़ी फैल जाते हैं, स्टार्टिंग में जिनकी मम्मी अपनी बात पे ठहरी रहती है कि हाँ जिन ने गलत करा, ऐसी लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, माफी मांगो फलाना धमकाना, एंड लेटर ऑन लोंडे का बाप ठहरा बेकूफ, ज्यादा ही बात पहुंचा दी, तो जिनकी मम्मी ने भी देर बढ़िया समझा दिए उसके लोंडे के बाप को कि बेटे ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ज्यादा बकलोलपंतिया नहीं, ये बात नहीं होगी, बदमाशी होगी। उसके बाद आता है मेन टर्न ऑफ इवेंट, फाइनली आती है एंट्री एक डीमन की, कहा गया है डीमन, ठीक है अब वो क्या है वो तुम्हें एनीमे में ही आगे जाके पता चलेगा। तो हाँ, एक मॉन्स्टर आता है, वो मतलब पूरी फाइट वाइट होती है उनका, आप एनीमे देखोगे आपको तो वहाँ से पता चल जाएगा, मैं थोड़ा सा जिस्ट बता रहा हूँ। तो वहाँ पे हो जाती है जिनकी मम्मी की डेथ, ठीक है वैसा उस एपिसोड में दिखाया गया है, जिनकी मम्मी को जाते डेथ और जिनको वो कहते हैं कि जाओ अपने ग्रैंडपा को ढूंढो, उसको नाम वगैरह सब बता देती हैं, एंड देन जिन गोज टू द मेन सिटी एंड फाइंड्स हिज ग्रैंडपा, फ्रॉम देयर वी गोना मूव टू सेकंड एपिसोड की थोड़ी स्टार्टिंग में जाएंगे, जहाँ से मेन स्टोरी की बिगिनिंग से पहले। तो वहाँ पे वो ग्रैंडपा के पास जाता है, कुछ ऊपर नीचे बातचीत होती है, बिल्कुल एक मतलब वो ग्रैंडपा मोमेंट नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं, एंड उसके ग्रैंडपा थोड़े से दिखते हैं कि भाई हाँ ज़्यादा बहुत एक सेंट आदमी भी नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक आदमी है। तो वहाँ पे उसके ग्रैंडपा उसको कई सालों तक ट्रेन करते हैं, एंड देन आवर स्टोरी मूव ऑन टू आवर मेन आयरन फिस्ट
टूर्नामेंट। टू बी ऑनेस्ट बहुत बोरिंग है यार, मतलब इसको सबसे तगड़ा एरिया बना सकते थे जहाँ पे अपना मेन प्रोटैगनिस्ट फुल ट्रेन व्रेन करता वो करता, लेकिन अगेन से यार एनिमेशन बेकार होने की वजह से इतना कनेक्ट नहीं कर पाई उस चीज़ के ऊपर। और दूसरी चीज़ यार, वही सेम घिसी पिटी स्टोरी चल रही है यार। मतलब ठीक है तुम एक बहुत पॉपुलर एनिमे को, एक गेम को एक एनिमे करना चाहते हो उसके कैरेक्टर वगैरह को, बट आई वुड हैव प्रेफर्ड कि जो राइटर है ना वो अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करता और कैरेक्टर्स को लेके एक अलग स्टोरी रिवॉल्व करता। मतलब यार समथिंग लाइक हाई स्कूल, गॉड ऑफ हाई स्कूल, ठीक है उसकी स्टोरी कितनी प्यारी है यार, मतलब प्यारी नहीं है लेकिन हाँ कुछ उस वे में रिवॉल्व करते तो बहुत तगड़ा सीन रहता, एक और थोड़ी और कहानी होती तो अच्छा रहता। एंड टू बी ऑनेस्ट यार एक बहुत बिलो एवरेज एनीमे है एंड आप इसे देख सकते हो, मे बी यू गाइज वुड लव इट बिकॉज इन द एंड यार अपने चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, बट यार स्टोरी में बिल्कुल दम नहीं है। लाइक जो अपने यूट्यूबर होते हैं ना, गेमर यूट्यूबर जो लाइक गेम्स में स्टोरी वगैरह बना के वो निकालते एपिसोड, वो इससे बेटर स्टोरी बना ले भाई, इसकी बड़ी नकली स्टोरी है। मतलब सही में पोटेंशियल है यार इसके अंदर, क्योंकि बहुत प्यारा प्रोटैगनिस्ट बन रखा है, बहुत प्यारी बैकग्राउंड स्टोरी है, बट उसको पोर्ट्रे करना, उसकी स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज़्यादा रद्दी है। तो ओवरऑल इस एनिमे को मैं पॉइंट देना चाहूँगा 3/10 ही, एंड यू गाइस कैन गिव इट अ शॉट, नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, डब्ड है, देखना चाहो तो देख सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं और किसी एनिमे टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो में। वैसे तो मैंने शेड्यूल मतलब ऑलरेडी सब सोच रखा है किसके ऊपर वीडियो आने वाली है, वन पीस रेड क्रंच रोल के ऊपर क्या मतलब वो मिलेगी अगली वीडियो में, या फिर मैंने अभी तक डाल भी दी होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। टिल देन द बॉय सेंडिंग फ्रॉम हरियाणवी और चागू टाटा, सी यू, गुड बाय।